Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, kaise aap? Fine na? I am also very well. Friends, do you know about the relative clause? What is the relative clause? Relative clause means kya? इसमें दो दो सेंटेंस बोलते हैं. रिलेटिव क्लॉज के सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होते हैं. हम उसी तरह के सेंटेंस को आज हम सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. रिलेटिव क्लॉज में दो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर, और दोनों के वहां आपस में संबंध होता है, एक जुड़ाव होता है, आपस में मेल होता है. जो पहले सेंटेंस में हम जो भी कुछ बोलते हैं वो दूसरे सेंटेंस से संबंधित होता है. इसके लिए दोनों एक दूसरे का बिना अधूरे होते हैं. तो इस तरह के हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए आज हम सीखते हैं. बट वो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये कन्वर्सेशनल वीडियो. हे दिव्यस, हाउ आर यू? व्हाई डू यू लुक सो डिजेक्टेड? आई हैव फेल्ड मिसेरेबली इन मैथ इन माय फर्स्ट टेस्ट. Failed miserably? What do you mean? I got 45 out of 150. And how have you fared in the other subjects? In every other subject, I have secured about 90%. But it is all in vain. You needn't be so disheartened. Okay? And it's not a joke to secure 90% marks. But math is such an important subject, isn't it? Don't worry, yaar. It is your first test. And next time, try to do well. I will do. Okay? Okay. Okay. I will know, okay? Meet you tomorrow. Okay, sir. Okay, friends. So let's start. Relative clause. जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. पहले सेंटेंस में हमने बात किया लड़के के बारे में कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. वो कहीं भी खेल रहा होगा, रोड पे खेल रहा होगा, मैदान में खेल रहा होगा, गली में खेल रहा होगा, उसे हम दिखाकर बोल रहे हैं कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. तो पहले सेंटेंस में बोला गया लड़के के बारे में और दूसरे सेंटेंस में बोला गया कि वो मेरा भाई है. मीन्स ये रिलेटिव्स रिलेशन बताया जाता है. पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से यही रिलेशन है, तो इसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं. अब हम इसको बनाते कैसे हैं, द ये देखते हैं. तो जो लड़का, द बॉय, हम द जरूर लगाएंगे क्योंकि किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द लगाना जरूरी है. तो द बॉय हु इज प्लेइंग, इज माय brother. The boy who is playing is my brother. अब यहाँ पर कितने सारे लड़के बोलते वक्त या जब भी बनाते हैं मैं उनको देता हूँ इस तरह का sentences, तो वो कैसे बनाते हैं कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. तो the boy is playing who is my brother, इस तरह से उल्टा सीधा कुछ बनाते हैं. या the boy Who is playing, यहाँ तक सही. अगर बनाते भी हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि he is my brother. यहाँ पर अब he लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिलेटिव है. मीन्स यहाँ से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो द बॉय हु की जगह पर हम दैट भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर बोलचाल में हु का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम हु ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं. जो लड़का चोरी करता है वो सजा पाता है. तो द बॉय हु स्टील्स, मिस चोरी करना, स्टील्स, अब वो सजा पाता है तो यहाँ पर ही लिखने की जरूरत नहीं है, गेट्स पनिशमेंट. द बॉय हु स्टील्स गेट पनिशमेंट. The boy who steals get punishment. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पर सिंगुलर नंबर है और दिस इज द प्रेजेंट टेंस, सो वी विल मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
because this is the present and infinite tense. So the boy who steals लिखा है मैंने क्योंकि present and infinite tense है इसके लिए और यहाँ पे gets लिखा है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है फ्रेंड्स. तीसरा सेंटेंस है जो पुस्तक टेबल पर है वो मेरी है द बुक. अब यहाँ पर हम हु नहीं लिखेंगे क्योंकि हम किसी निर्जीव चीज की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम हु नहीं लिखेंगे. जब भी हम निर्जीव चीज़ की बात कर रहे हो हम किसी भी सजीव चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे या दैट भी लिख सकते हैं हम या विच भी लिख सकते हैं तो विच लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. द बुक विच इज ऑन द टेबल वो मेरी है इज माइन. आपको मैंने बताया था कि लास्ट में जब अंत में मेरी का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए हम माइन लिखते हैं न कि माई लिखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस तरह से सेंटेंसेस बनती है. आप यह ध्यान रखना कि जो हम जो बोल रहे हैं सेंटेंस में वो जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी सजीव आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आदमी या औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है या किसी निर्जीव चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से हम जो के लिए हु और विच का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप दैट लिखते हैं तो दोनों जगह पर हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो हम चलते हैं इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं. ये इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए दूसरा वीडियो भी बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो पहले हम इससे संबंधित सेंटेंसेज जान लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, मैंने तीन सेंटेंसेज लिख के रखे हैं. इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है जो आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा. ठीक है. जो चोरी करता है वो सजा पाता है. इससे ठीक पहले मैंने यही सेंटेंस लिखा था कि जो लड़का चोरी करता है वो सजा पाता है. उसमें लड़का था, सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, बट इसमें सिर्फ जो चोरी करता है, जो लड़का नहीं है या जो आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है. फिर हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे. वहाँ पर लड़का था इसलिए तब वाई लिखते थे, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे. तो यहाँ पर जो के लिए जब जो चोरी करता है, डायरेक्ट जो के बाद वर्ब आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट ना आए, ऑब्जेक्ट ना आए, तो वहाँ पर हम जो के लिए या तो दैट लिखेंगे या वन लिखेंगे, या तो आप वन लिखेंगे या दैट लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे या तो हम दैट लिखेंगे या वन लिखेंगे, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम पहले यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना कि अगर हम एक वचन की यानी कि सिंगुलर नंबर की, एक की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ही दैट और वन लगेगा, बाकी प्लूरल में वैसा नहीं होगा. मैंने आगे सेंटेंस लिखा है उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो पहले हम दैट या वन एक लेके चलेंगे, आप दोनों मत लगाना, दैट और वन दोनों एक साथ मत लगा देना, दैट या वन में से कोई भी एक लगाना और सिंगुलर नंबर है. और दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस, सो विल मेक अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस. दैट या वन हु स्टील्स गेट्स पनिशमेंट. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पर जो चोरी करता है वो सजा पाता है, तो दैट या वन दोनों में से कोई एक लेना. हु स्टील्स गेट्स पनिशमेंट. अब यही सेम सेंटेंस है बट ये प्लूरल नंबर में सेंटेंस है, यानी बहुवचन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम अलग तरीके से बनाएंगे. दैट की जगह दोज लिखेंगे, सिर्फ दोज लिखेंगे, यहाँ पर वन नहीं होगा, दैट नहीं होगा, दोज लिखेंगे, क्योंकि जो चोरी करते हैं वो सजा पाते हैं. दिस इज द प्लूरल नंबर, सो वी राइट हियर दोज, दोज हु स्टील. अब ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, स्टील गेट पनिशमेंट. ठीक है फ्रेंड्स. जो कठिन मेहनत करता है वो सफलता पाता है, तो दैट या हु दैट या वन लिखेंगे, यहां पर वन भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं. तो दैट हु कठिन मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये रिलेटिव क्लॉज में आज ये पहला वीडियो है रिलेटिव क्लॉज का, तो इसमें और भी एक दो वीडियो आएंगे जिसमें आपको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा सभी चीज़ों के बारे में, और भी बहुत कुछ इसमें आता है, लेकिन एक ही वीडियो में बनाने से काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो
इतना इतना आप रोज सीखो, यही काफ़ी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि रिलेटिव क्लाउज वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उन नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास, ये वीडियो हमारे काम का है, ये चैनल हमारे काम का है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।